नमस्ते। आपने भी वो वीडियो देखा होगा जो मैंने देखा है, जहां में हमारे बिस्वजीत देब बर्मा को बेरहमी से मारा गया है। और इस वीडियो देखने के बाद सबको बहुत सबका खून भी खौला होगा, सबको खराब भी लगा होगा, सबके अंदर नाराजगी भी होगी। लेकिन मैं दो तीन चीज कहना चाहता हूं। सबसे पहले, जो संगठन ने एसडीएम ऑफिस को घेराव किया, जो संगठन ने सेक्शन 144 का उल्लंघन किया, जो संगठन ने पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय किया, पुलिस को मारा, और उसके बाद बिश्वजीत देब बर्मा को वीडियो में है, वीडियो है, कैमरा के सामने सब देख सकते हैं, जैसे बेरहमी से मारा, उनके लीडर के खिलाफ, और जिसने मारा है, क्योंकि पूरा फेस दिखाई पड़ता है वीडियो में, उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी होना चाहिए, एफआईआर रजिस्टर होना चाहिए, और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये हमारा डिमांड है, नॉन निगोशिएबल विद द स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि इन्होंने कानून तोड़ा है। ये कानून मैंने नहीं बनाया, ये कानून आपने बनाया है, और ये आपका कर्तव्य बनता है कि कानून सबके लिए एक होना चाहिए। उनके खिलाफ एफआईआर होना चाहिए, उनको अरेस्ट किया जाना चाहिए, ये हमारा फर्स्ट डिमांड है। सेकेंड, हम जानते हैं कि बहुत लोग आज गुस्से, अंदर नाराजगी है, बहुत इमोशनल है आज। लेकिन अगर हमने उन ये जो संगठन जैसे हमने भी अगर कानून अपने हाथ में उठाया, तो मुझ में, हम में और उनमें कुछ फर्क नहीं रहेगा। आप शांति रखिए, हम गवर्नमेंट को एक टाइमलाइन देंगे कि टाइमलाइन के अंदर इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, अगर नहीं हुआ तब हम आगे का दौर देखेंगे। लेकिन सबसे पहले आप लोग कानून अपने हाथ में मत लीजिए, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि अगर हमने कुछ गलत किया तो पूरा फोकस हमसे हटकर कहीं और चला जाएगा। ये चाहते हैं कि हम कुछ गलत काम करें। आपने देखा ही होगा कि मीडिया तिपरासा के संग कभी है ही नहीं। आप नेशनल मीडिया देख लीजिए, आप रीजनल मीडिया देख लीजिए, आप जो गुवाहाटी में आता है न्यूज, सब में देख लीजिए, हमारे बारे कुछ जिक्र नहीं किया जाता है। और अगर आज हमने कुछ गलत किया तो ये लोग कहेंगे कि हमारे लोग ही कानून को तोड़ते हैं। तो ये आप जानते हैं कि डोंट गिव देम दैट चांस। थर्ड पॉइंट, आई एम अपीलिंग टू द मिजो पीपल, यू आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वी हैव बीन टुगेदर फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, नाउ प्लीज चूज, डू यू वॉन्ट टू बी विथ द सेम ऑर्गेनाइजेशन विच इज ब्रूटली किल्ड आवर ब्रदर बिश्वजीत देब बर्मा, और वुड यू लाइक टू बी विथ अस? वी कैन सिट अक्रॉस द टेबल एंड डिस्कस, बट एज लॉन्ग एज यू आर विद दोज पीपल हु हैव रिपीटेडली ब्रोकन लॉज, हु हैव कॉल्ड नेम्स, हु हैव अटैक्ड अस, हु हैव अटैक्ड आवर हिस्ट्री, हु हैव अटैक्ड आवर प्रेजेंस, हु हैव किल्ड आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हु हैव सेड सच हॉरिबल थिंग्स, नॉट ओनली अगेंस्ट अस, अगेंस्ट यू ऑल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, इफ यू स्टिल वॉन्ट टू बी विद देम देन इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। यू ऑल शुड ऑल्सो इंट्रोस्पेक्ट एंड रियलाइज दैट वी आर नॉट योर एनिमीज, वी आर एक्चुअली योर वेल विशेस। यू शुड ऑल्सो रियलाइज दैट वी वोंट डू एनी थिंग विच शुड बी अगेंस्ट यू, बट यू शुड नॉट ऑल्सो ज्वाइन हैंड्स विद दोज पीपल। फोर्थ पॉइंट, ये सबके लिए द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक अकॉर्ड साइन किया 16 जनवरी को। उस अकॉर्ड में मैं भी था, गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा भी था, गवर्नमेंट ऑफ मिजोराम भी था, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया था। उस अकॉर्ड में लिखा गया है कि ब्रू को त्रिपुरा में सेटल किया जाएगा। ये बात निश्चिंत रखिए कि ब्रू को अब हटाया जाएगा, ब्रू त्रिपुरा में ही रहेगा। कहां रखना है वो हम गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं, लेकिन उनको अच्छे तरीके से स्कूल के साथ, सुविधा के साथ, घर के साथ, बैंक में फिक्स डिपॉजिट डालने के बाद एक 2 साल के लिए 5,000 रुपया हर महीने के लिए वो देकर हम अलग अलग जगह में क्लस्टर में रखेंगे। तो किसी को ये जो पूरा फेक न्यूज फैल रहा है कि हम सबको कंचनपुर में ही रखेंगे, नहीं, ये पूरे त्रिपुरा में स्प्रेड है, लेकिन क्लस्टर में, क्योंकि हम नहीं चाहते कि वो अपना आइडेंटिटी खोले, तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट पे रखा जा रहा है। और ये जो न्यूज फैला रहा है कि सिर्फ कंचनपुर में ही हो रहा है, ये गलत न्यूज है, और ये इसके पीछे पॉलिटिकल लोग हैं। ये पॉलिटिकल लोग को अपना फायदा देखना है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये अश्योरेंस दिया है, कमिटमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने
ये बात पब्लिक रैली में बोला है, अमित शाह ने ये बात पार्लियामेंट में कहा है, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कमिटमेंट है और मैं विश्वास रखता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना कमिटमेंट से पीछे नहीं जाएगा। लास्ट पॉइंट, हमारे विश्वजीत देव वर्मा को मारा गया। रोज फोन आता है, मैसेजेस आता है, थ्रेटनिंग कॉल्स आता है कि मैं भी सुरक्षित नहीं हूं। ये लोग जो हमको उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, ये लोग जो हमको उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग को मैं एक मैसेज देना चाहता हूं कि हम लोग अब समझ चुके हैं, वी आर मेच्योर, हम आपको मौका नहीं देंगे कि आप चाहते हैं कि हम जाकर कोई निर्दोष बंगाली को मारे, आप चाहते हैं कि हम जाकर कोई निर्दोष बंगाली जो दुकानदार है उसको पीटे, आप चाहते हैं, हम ये नहीं होने देंगे। और मैं अपने सब लोगों से यही अपील करना चाहता हूं कि ये लोग चाहते हैं कि दंगा हो, दंगा में नुकसान हमारा है, दंगा में नुकसान एक वैसे इंसान का है जो पॉलिटिक्स से उसका कुछ लेना देना नहीं, दंगा में नुकसान उसी का है जो बिजनेस करता है, जो दुकान चलाता है, जो स्कूल जाता है। ये लोग चाहते हैं कि ये दंगा हो और असली इशू के बारे कोई बात नहीं करे। असली इशू है कि हमको अपने राज्य में कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार चाहिए। तो आप लोग पेशेंस रखिए, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात करूंगा, मैं स्टेट गवर्नमेंट से बात करूंगा, मैं ऑपोजिशन से बात करूंगा, सबसे बात करूंगा और हम लोग डिमांड करेंगे कि कंचनपुर में और पानी सागर में नॉर्मलसी कैसा लाया जाए। विश्वजीत देव वर्मा को जिसने मारा है, वीडियो में सब देख सकते हैं मारा है, उनका अरेस्ट कैसा हुआ जाए, कितने समय तक टाइमलाइन के अंदर, और हमें न्याय चाहिए। न्याय भीख पे नहीं, हम डिमांड करते कि हमको न्याय चाहिए और हम आशा करते हैं कि ये जो हमारा डिमांड है वो पूरा होगा। हिंदुस्तान में दो कानून नहीं बन सकते दो अलग लोगों के लिए, ये मैं भी जानता हूं, ये आप भी जानते हैं और ये सब जानते हैं। बेलाई नोहम्बाई, धन्यवाद, खुलूंगा।